देहरादून में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक संपन्न हुई, जिसको लेकर एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने बताया कि बीते दिन हुई बैठक में ये स्टडी किया गया है कि किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं। एसपी पवार ने बताया कि इस संदर्भ में अब पुलिस आरटीओ जैसे सभी संबंधित विभागों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों की अनदेखी करके बिना सीट बेल्ट के ड्राइव करते हैं, उन सभी मामलों को लेकर हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग इस संबंध में कार्रवाई भी कर रहे हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल, इसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी की किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में, और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी, एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई, और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार हमारी जारी रहेगी।